हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमने अपने प्लस वन के केमिस्ट्री के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल किया था। रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट किया था, उसके लिमिटेशंस की थी, फिर कुछ टर्म्स आ गए अब हमारी बेसिक, जो हमें पता हूँ बार बार यूज होंगे, जैसे एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, आइसोटोप, आइसोबार वगैरह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एटॉमिक नंबर क्या होता है। सभी को पता है कि नंबर्स तो दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते आए हैं, टेंथ में पढ़ा है आपने। तो नंबर होते क्या है? कोई भी एलिमेंट है, सपोज मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से, तो एक तो टर्म यहां नीचे लिखी हुई होती है, जेड से हम जनरली एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, और ए से यहां मास नंबर को, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर होगा किसके इक्वल? जो हमारा एलिमेंट है कोई भी, उसके अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही क्या उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट inside the nucleus of an atom। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही क्या है एटॉमिक नंबर। ये जब डेफिनेशन दी थी रदरफोर्ड के टाइम पर ही आई थी, उस टाइम तक न्यूट्रॉन तो डिस्कवर भी नहीं हुए थे, वो चैडविक ने किए थे, मास नंबर के टाइम तक वो यूज हो गए थे। अब सपोज जैसे मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मास नंबर कितना होता है 16। अब जो ये 8 है, ये क्या है, इक्वल है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमें एक चीज पता है, अगर ये इस फॉर्मेट में जैसे अब लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे। मीन्स इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो किसके इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ये इक्वल होंगे। कब? अगर एटम हमारा न्यूट्रल है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। अब यहां से देखो, जो बेसिक से जो चार्ज की टर्म आती है वो भी समझ ही लेते हैं। जैसे अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पर, अब हम आसानी से बता सकते हैं एटॉमिक नंबर जितने 8, प्रोटॉन्स कितने हैं 8, न्यूट्रॉन्स, ये चलो मास नंबर होने के बाद पता चलेगा, पर ये दो चीजें हमें अब यहां से पता चलेंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के पास। अगर ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो जाएंगे 10। प्रोटॉन कितने रहेंगे 8 ही रहने हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो माइनस के तो इसके पास कितनी चीजें हैं 10, और प्लस की कितनी है 8, तो वो माइनस 2 ऐसे आता है चार्ज। वैसे तो ये बहुत छोटी क्लास का काम था आपका, लेकिन एक आध स्टूडेंट प्लस वन में भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता, सर ये माइनस 2 ही कैसे आ, प्लस 2 ही कैसे आ, तो ये ऐसे आया था, पता चल गया। चलो अब मास नंबर और करते हैं, उसके बाद हम तीनों चीजें एक साथ निकाल लेंगे। मास नंबर, अब देखो मैंने बोला मास नंबर, मैंने एटॉमिक मास नहीं बोला है, कई बार बच्चे इन में भी बदल रहते हैं मास नंबर और एटॉमिक मास। मास नंबर हम जनरली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज इक्वल टू, इट मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, उन सब का सम कर दो, क्या आ जाएगा मास नंबर। अगर मैं कहता एटॉमिक मास, या मैं कहता रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ध्यान होगा आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा भी होगा,
नाइन्थ क्लास में भी पढ़ते हो कि इट इज इट मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर द मास ऑफ दैट एटम या मास ऑफ एटम टू दैट ऑफ कार्बन एटम टेकन एज C12 आइसोटोप। अब आइसोटोप हम आगे बताएंगे कि कार्बन का मास में 12 लूं उससे वो कितना हैवी है, वही क्या होता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास। ठीक है, तो मास नंबर इस यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। अब उस ऊपर वाले एग्जांपल पर फिर से चलते हैं हम। जो मैंने ऑक्सीजन दिया जिसका एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया 8, मास नंबर मैंने लिख दिया 16, अब तुमने बता दिए थे इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन अगर मैं पूछूं वो भी कितने होंगे 8, क्यों, क्योंकि मास कितना है 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8, और हमें पता है मास नंबर किसके इक्वल होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो तो 16 है, और अगर प्रोटॉन इसमें 8 है तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे 16 माइनस 8 आ जाएंगे, क्योंकि उन दोनों का सम ये है, अगर एक 8 है तो दूसरा उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। सपोज कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमसे कहे कैल्शियम दे दे एटो, चलो कोई अलग अलग वाला ले लेते हैं जिसमें डिफरेंट आ जाए। हमने लिया यहाँ पर आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, मास 40। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ऑब्वियसली जो एटॉमिक नंबर है क्योंकि न्यूट्रल है 18, प्रोटॉन्स कितने होंगे 18, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब हम क्या करेंगे, मास नंबर है हमारा उसमें से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ जाएगा 22। सिंपल है, कर सकते हो। ये क्या था, हमने किया एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब जो नेक्स्ट टर्म हमारी यूज होगी वो क्या है, जो अभी बताया था मैंने, वो हम यूज करेंगे ये आइसोटोप्स आइसोबार्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आज का जो लेक्चर है हमारा, वह रिवीजन लेक्चर कह सकते हो आप इसको, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये आपकी बेटा नाइन्थ क्लास में आ चुकी हैं, कोई भी नई टर्म नहीं है हमारे आज के लेक्चर में, सारी की सारी आपकी पढ़ी हुई है, जस्ट रिवीजन है। हमने पढ़ना है जैसे आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एटम्स होंगे दो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, यानी कि सेम ही एटम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम है तो, बट उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होज एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर सेम नहीं है, वो अलग है। कैसे, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हाइड्रोजन 1 मास 2 वाला और हाइड्रोजन मास 3 वाले, या कार्बन मास 12 भी है 14 भी है, नाइट्रोजन मास 14 भी है 15 भी है, ये एक दूसरे के क्या है आइसोटोप्स, और भी लिख सकते हो, एक दो मैंने समझाने के लिए लिख ली। अब इनके केस में देखो क्या फर्क होगा, देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सेम, इसमें भी 6 और उसमें भी 6 है, मास इसका कितना है 12, इसका कितना है 14, अब इलेक्ट्रॉन सेम है प्रोटॉन भी सेम है, सिर्फ फर्क आएगा न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे 6 और इसमें कितने होंगे 8। तो यहां से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो आइसोटोप्स है वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिफर करते हैं, दे डिफर बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली,
और जो अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में न्यूट्रॉन ने तो कोई टेक पार्ट करना नहीं, तो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या आएगी, सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप्स वो क्या होगी, नियरली सेम, या आप सीधा ये डाल सकते हो सेम इट लिख दो सीधा भी तो भी चलेगा। ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करेंगे, फिजिकल में वेरिएशंस आएंगे मास चेंज होने की वजह से, ये है डिफर करेंगे सिर्फ न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आएंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ठीक है, आइसोटोप के बाद हमारा आइसोबार, आइसोबार में क्या होंगे, डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स के एटम होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट होल एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, बट मास नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या आएगा, सेम। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, मास 14 है, और एक कार्बन का आइसोटोप भी अभी ऊपर है हमारा, मास 14 वाला। दोनों के केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिखूं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, प्रोटॉन कितने हैं 7, न्यूट्रॉन कितने हैं 7, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8। तो इनके केस में सिर्फ मास सेम है, बाकी चीजें सेम जनरली नहीं मिलेंगी हमारे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट आएंगे, वो अलग आएंगे, तो बाकी चीजें भी अलग ही हैं। ठीक है, ये होते हैं आइसोबार्स। अब एक चीज है, ये सीजो 14 है, ये कहाँ यूज होता है, ये डेट डिटेक्टिंग के काम आता है, जो भी पुरानी चीजें मिलती हैं कोई खुदाई वगैरह करके, जो भी होम्स वगैरह मिले हमने, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मिल जाते हैं या फॉसिल्स मिल जाते हैं, उनके अंदर ये डिटेक्ट किया जाता है कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कितना बचा हुआ है, कि हमें पता होता है अगर मान लिया कोई प्लांट का टुकड़ा मिला कि वैसे इसमें इतनी अमाउंट होनी चाहिए थी इस प्लांट में, अब इसमें इतनी बची हुई है, तो इसकी एक सिंपल सी छोटी सी बहुत ही छोटी सी अमाउंट ये कई साल में डीके करता है। इसीलिए जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर लिखा होता है अप्रोक्सीमेटली 2000 साल 2000 ईयर या 3000 ईयर या 500 या 600, कभी ये नहीं मिलता 523 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो अप्रोक्स निकलती हैं, ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि बहुत ही माइनर अमाउंट ये डीके करती है कुछ सालों में, तो डेट डिटेक्टिंग के ये काम आती है जो चीज़ पुरानी मिलती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट यहीं पर बता देता हूं, आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गए, आइसो टोन्स, नेम से अब आइडिया आता गया आ जाएगा तुम्हें, आइसोटोन्स का मतलब क्या है, दोज एटम्स विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे उनमें सेम, मास क्या होगा उनका डिफरेंट, मतलब अलग अलग एटम होंगे लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, अब ये लगा लो इसमें कितने हैं 8, ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं न्यूट्रॉन 8, ये भी एक दूसरे के आइसोटोन्स है, या कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे पी फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, मास कितना होता है 31, सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है 16, मास कितना है 32, लिखो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 15, प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉन 16, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 16, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन भी कितने हैं 16, तो एक दूसरे के क्या होंगे आइसोटॉन्स। ऐसे ही होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोज एटम्स या आयंस, एटम एंड आयंस भी लिख सकते हो, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो दो एटम में अगर इलेक्ट्रॉन बराबर हों
तो ये तो है नहीं कि दोनों न्यूट्रल होंगे, क्योंकि न्यूट्रल होंगे तो सेम एटम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी सेम, वो एक एटम एक आयन जनरली ऐसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, Na पॉजिटिव है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन कितने बाकी रह गए 10। मैं लूँ Mg2 पॉजिटिव, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। मैं लिखूँ Al3 पॉजिटिव, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। मैं लिख दूँ यहाँ पर N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने हैं 7, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए 10। O2 नेगेटिव 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए 10। उसके अलावा मैं लिख दूँ फ्लोरीन नेगेटिव, कितने हैं इलेक्ट्रॉन 10। इसके अलावा मैं लिख दूँ नियॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10। तो ये सारे क्या हो गए, जो मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई ये दो पूछे, ये पूछे, ये सारे पूछे, ये सारे क्या है आपस में आइजो इलेक्ट्रॉन्स, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें बराबर गिवन है। गॉट इट? तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम कल करेंगे, इसके ऊपर कुछ अपनी प्रैक्टिस करके देख लेना कि जो पीछे जो हमने पढ़ रखे थे वो आपके माइंड में क्लियर आ जाए। थैंक यू।